दयानगर में एक लंगूर को अज्ञात लोगों ने जला दिया। उसके बाद मौके पर हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। उसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और लंगूर का इलाज करवाया गया। वहीं भाजपा के जिला मंत्री जितेंद्र राठौर ने बताया कि दयानगर में अज्ञात लोगों द्वारा लंगूर को जलाया गया और उसके गले में रस्सी बांधी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद मौके पर पहुंचे और जिला प्रशासन को सूचना दी गई। उसके बाद लंगूर का रेस्क्यू करने के लिए टीम मौके पर पहुंची और लंगूर का रेस्क्यू कर उसका इलाज किया गया। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर अज्ञात लोगों द्वारा यह घटना अंजाम दिया जा रही है, क्योंकि हिंदू धर्म में लंगूर और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस तरह की घटना होने से स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों में भारी रोष है। इसलिए मैंने जो अभी प्रत्यक्ष में जैसे मुझे सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ दयानगर पहुंचा जो हनुमान सर्किल के पास है कॉलोनी। मैंने वहां पहुंचकर देखा एक बंदर जड़ी अवस्था में और जिसके अंदर की बन रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है किसी ने उसको बांध कर जलाया है और वो भाग कर अपनी जान छुड़ाकर बेचारा बंदर आया है। ये एक तरह के हिंदू समाज पे आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य है सामाजिक तत्वों द्वारा किया गया है, जिनको मैं प्रशासन को भी उन्होंने खबर करी, प्रशासन नहीं पहुंचा। अब हालांकि प्रशासन यहाँ आया हुआ है हमारे आने के बाद। मैं प्रशासन से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके साथ, इस बंदर के साथ जो हमारे हनुमान जी जो प्रतीक है हमारे आस्था हिंदू समाज के, अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, और मैं इनसे गिरफ्तारी की मांग करता हूँ। जिस तरह बंदर के साथ किया है, मानव जाति के साथ तो ऐसा समझ सकता तो डेली कर रहे हैं अलवर शहर में। अब ये हमारे प्रतीक हनुमान जी भगवान के प्रतीक बंदरों को भी नहीं पकड़ता जा रहा, तो उनका